नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में इन दिनों बारिश के दौरान पानी में डूबने से अनेक लोगों की मौत हो रही है। जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना के अंतर्गत जोहिला नदी के गहरे में 3 दिन पूर्व एक युवक एवं एक बच्चा डूब गए थे। जहां रेस्क्यू कर टीम की कड़ी मेहनत से दोनों शव को बरामद कर लिया गया है। वह जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के सामने पानी टंकी के पास स्थित तालाब में 18 वर्षीय युवक के डूब जाने से मौत हो गई। जहां पुलिस की मौजूदगी में ग्राम क्यूलारी निवासी सुदामा यादव नामक युवक के द्वारा शव को पानी से बाहर निकाला गया एवं मृतक के परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टर द्वारा शव की PM कार्रवाई की गई एवं शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि ग्राम सुंदर दादर निवासी युवक जोहिला नदी में विगत 14 जुलाई की शाम को मछली मारने के लिए गए हुए थे एवं दोनों लोग गहरे पानी में बह गए, जिनका शव आज सुबह 9 बजे पावर प्लांट डैम के ईशनपुरा घाट से होमगार्ड एवं पाली पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है, जिसमें मृतकों के नाम गंगा अगरिया उम्र 32 वर्ष एवं 8 वर्षीय बच्चा चंद्रभान सिंह है। वही दोनों घटनाओं में मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री सुश्री मीना सिंह ने मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है एवं जिले वासियों से बारिश के दौरान गहरे पानी में न जाने की अपील की है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। राम चिल्लाता वाला में कहा नहीं डूब गया, कहीं मौत हो गई। वहाँ पर मांगने खाने वाले जो बसे हुए थे, बगल में रेलवे का एरिया है, वहाँ पर बसे हैं, तो एक तालाब है रेलवे का, उसी तालाब में एक व्यक्ति डूब गया था, उसको अभी अभी निकाला गया है। दोबारा गया था इस तालाब में, तो उसको सुदामा गोताखोर जो कोयलारी का है, कड़ी मेहनत करके उसको द्वारा निकाला गया है। और ये डेंजर एरिया है और ये सीधा खड़ा तालाब है, रेलवे के द्वारा जो खोदा गया है, कई घटनाएं भी घट रही हैं और यहाँ मवेशी भी मिलते हैं और भी घटनाएं घटने की आशंका। एक 18 साल की उम्र का लड़का स्टेशन के पास पानी टंकी के पास कोई गड्ढा है जहाँ पर वो स्नान करने नहाने के लिए गया था और नहाने के दौरान उस गड्ढे में घुसकर उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैं जिला चिकित्सालय उमरिया पहुँचा, उसके हालचाल उनके परिवारजनों से मैंने मुलाकात की और ये पूरा आश्वासन दिया है कि समाज की तरफ से उसके अंतिम संस्कार की जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी वो बिल्कुल उसकी पूरी व्यवस्था समाज की जानिब से, मुस्लिम समाज की तरफ से यहाँ पर ईदगाह कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार के लिए हम सब तैयार हैं। घटना घटित हुई है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा पानी से भरा हुआ है, तो मैं यही रेलवे प्रशासन से यही मेरी गुजारिश अनुरोध है कि तत्काल में आप उस जगह को फेंसिंग कराकर उस जगह को बाकायदा पैक करा दें ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा। हर क्षेत्र में रेलवे ने एक तालाब खुलवा कर रखा हुआ है, उसमें भी ये मानकर जीवन यापन जो लोग करते हैं, रौला में जो लोग थे वो उमरिया कर बस गए थे, उन्हीं में से एक 18 साल का बच्चा जो है वो भी पानी में गिर गया है, शायद नहाने की वजह से, जो भी वजह से। इसमें साफ साफ रेलवे की लापरवाही नज़र में आ रही है कि एक खड़ा तालाब जो उन्होंने खुलवा रखा है, तो मेरी उनसे अपील है कि सबसे पहले उसमें तार फेंसिंग करवाएं और इस तरीके के तालाब जहां कहीं भी पूरे ज़िले में बने हुए हैं उसमें तार फेंसिंग की सख्त आवश्यकता है। दोनों तीनों जो लोगों की आज मृत्यु हुई है उनके मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और फिर से एक बार रेलवे से और वहां पे भी जो डैम या पानी में जो लोग डूब के मरे हैं रेलवे से और अन्य विभाग से मांग करना चाहता हूं कि उन्हें मुआवजा भी प्रदान करें, ताकि आज जो स्थिति जानकारी मिल रही है कि उनका शव भी दफनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले प्रशासन उनकी मदद। बारिश का मौसम है, नदियों में बाढ़ हैं, तालाब भर रहे हैं, तो मैं वैसे भी आम जनता से सबसे ये भी आग्रह करना चाहती हूँ कि ऐसे मौसम में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि बरसात के समय नदी नालों में कम से कम जाए, ज़रूरत हो तो जाए, तो पानी से बच के कोई भी काम करना है तो करना चाहिए। मैं अभी पाली क्षेत्र से आई हूँ, सुंदर दादर में एक 20 साल का लड़का और एक छोटा बच्चा 8 साल का, वो भी जोहिला नदी में दोनों डूब चुके हैं और इसकी टीम लगी हुई है उनके ढूंढने के लिए। और अभी अपन तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि जो भी सही है जीवित मिले परिवार को, और मैं अभी परिवार के लोगों से भी मिल के आई हूँ।
अब जब तक वो दोनों नहीं मिल पाते तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, पर भगवान से मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि वो दोनों मिल जाए। और जो मरिया की बात जैसा कि आपने बताया कि एक बच्चा और ऐसा तो बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और पुनः प्रार्थना करना चाहती हूँ सभी आम जनता से कि ऐसे मौसम में वो अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षा के साथ अगर कहीं पानी के नज़दीक भी जाते हैं तो अपने आप को बचा के काम करें। आज उमरिया जिले में दो घटनाएं सब प्रकाश में आई हैं, जिसमें कि यहाँ पे झूला नदी पे दो लोगों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, उनकी लाश नहीं निकाली जा चुकी। वहीं दूसरी तरफ उमरिया रेलवे स्टेशन के पास एक पानी टंकी है रेलवे विभाग का, वहाँ पे शायद रेलवे विभाग ने या किसी ने भी एक तालाब नुमा गड्ढा खोद के रखा जो कि सीधा सीधा है। उसमें चंदिया से जो लोग आए थे बच्चे भिखारी टाइप के और पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वो लोग वहाँ पे अचानक गए और वहाँ पे पैर फिसला और उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामवासियों के सहयोग से डेड बॉडी निकाली गई है और उनके परिवारजनों को सौंपी गई है। निश्चित रूप से दोनों भी घटनाएँ जो हैं आपदा विपदा की श्रेणी में है। और ये भी जो चंदिया वाला मामला, इसमें ये बात भी सामने आई है कि ये उनको बताया गया था कि उमरिया में आज खाद्यान्न वितरण होगा शासन की तरफ से, तो चलो वहाँ पर जाके ले लो। जब यहाँ पे आए किसी विभाग ने उनको खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया, तो अपने मतलब पेट भरने के लिए भिक्षा मांगने के लिए निकले और वहाँ पे वो जो बच्चा जो है और रेलवे का कालों वो जो स्टेशन है उसके पास जो गड्ढा था उसमें जाके वह जल समाधि हो गई, उसकी मृत्यु हो गई निश्चित रूप से। और जो जोहिला वाला मामला है वो अभी तक आइडेंटिटी नहीं हुआ है, लाशें जो शव है वो नहीं निकाली जा चुकी है। आग्रह करते हैं दोनों घटना को बड़े संवेदनशीलता से, यदि रेलवे ने इस तरीके से कार्य किया है, गड्ढा खोदा है, फिंसिंग नहीं की है, बोर्ड नहीं लगाया है, तो इनके खिलाफ़ भी जो भी ICPC की धाराओं में प्रोविजन है उसके तहत कार्रवाई हो और जो शासन की तरफ से जो राशि मिलती है इन सभी जो आहत परिवार हैं, दुखी परिवार हैं और पीड़ित परिवार, उनको दिलाए जाने की हम मांग। आज जिला चिकित्सालय उमरिया में एक लगभग 20 वर्ष के पुरुष को पानी में डूबने के पश्चात मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया था, जिसका भी सौपरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। ये गोलू फकीर गया था नहाने के लिए तालाब पे, नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब के खत्म हो गया। घरों के द्वारा उसके शव को निकाल लिया गया, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है।